2.1 दैट इज पोस्ट वैक। अगेन आई रिपीट, जो टॉपिक आज हम फर्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज टॉपिक 2.1 पोस्ट वैक। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। व्हाट इज पोस्ट वैक? पोस्ट वैक हम क्यों यूज करेंगे या फिर पोस्ट वैक कैसे होता है वो अब हम देखते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम पोस्ट वैक एक ऐसी एक्शन है कि जो इंटरएक्टिव वेब पेज के साथ ही आपको मिलता है। अगेन आई रिपीट, पोस्ट वैक एक ऐसी एक्शन है कि जो आपको सिर्फ इंटरैक्टिव वेब पेज के साथ मिलेगी। नाउ व्हाट डू मीन बाय इंटरैक्टिव वेब पेज? इंटरैक्टिव वेब पेज मतलब आप जो वेब पेज के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, वहां पे कोई बटन है तो आप उसके ऊपर क्लिक करते हो, वहां पे कोई ऑप्शन दिए है तो वो आप ऑप्शन सिलेक्ट करते हो। दैट इज द इंटरैक्शन विथ वेब पेज, राइट? सो ये पोस्ट बैक इन इंटरैक्टिव वेब पेज के ऊपर ही होता है, स्टैटिक वेब पेजेस के ऊपर नहीं होता है, राइट? जब भी कोई भी पेज सर्वर के ऊपर जाता है नॉन क्लाइंट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। नॉन क्लाइंट ऑपरेशन मतलब क्या? ऐसे ऑपरेशंस के जो सिर्फ सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट हो सकते हैं, राइट? सो अगेन आई रिपीट, जब भी कोई भी पेज सर्वर के ऊपर जाता है टू परफॉर्म सम नॉन क्लाइंट ऑपरेशन, राइट, तो सर्वर वो ऑपरेशन परफॉर्म करके सेम पेज क्लाइंट को वापस देता है। अगेन आई रिपीट, सेम पेज क्लाइंट को वापस देता है, दैट इज नोन एज पोस्ट वैक। अगेन आई रिपीट, जब भी हमारा वेब पेज सर्वर के ऊपर जाता है टू परफॉर्म सम नॉन क्लाइंट ऑपरेशन, सर्वर वो नॉन क्लाइंट ऑपरेशन परफॉर्म करता है एंड आफ्टर दैट वो हमें फिर से सेम पेज वापस देता है टू द क्लाइंट, राइट? नाउ व्हाट इज द सिनेरियो? ESP.NET के अंदर जितने भी वेब पेजेस होते हैं दे आर ट्रीटेड एज अ सेपरेट एंटिटी। अगेन आई रिपीट, ESP.NET के अंदर जितने भी वेब पेजेस हम बनाएंगे, दैट इज हमारी ESP.NET वेबसाइट के अंदर हम जितने भी वेब पेजेस बनाएंगे, राइट, ऑल दोज वेब पेजेस आर ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी। एंड इफ दे आर ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटी तो उनके पास एबिलिटी होती है टू प्रोसेस देयर ओन डेटा, राइट? वो खुद के डेटा प्रोसेस कर सकते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, फॉर्म के अंदर हमने कोई कंट्रोल्स रखा है, राइट, तो वो कंट्रोल के अंदर अगर हम कोई डेटा सिलेक्ट करते हैं तो वो सिलेक्शन के हिसाब से सर्वर के ऊपर पेज प्रोसेस करने जाता है, सेम पेज प्रोसेस करने के बाद हमें वापस मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ। जब भी आप कोई रजिस्ट्रेशन पेज ओपन करते हो तो वहां पे हमें पहले सिलेक्शन आता है कंट्री का। अगर मैं कंट्री में इंडिया सिलेक्ट करती हूँ, राइट, तो उसके बाद स्टेट में सिर्फ इंडिया के ही स्टेट्स हमें दिखाई देते हैं, राइट, बाकी कोई कंट्री के स्टेट्स नहीं दिखाई देते हैं। ऐसा कैसे हुआ? अगेन आई रिपीट, ऐसा कैसे हुआ? जैसे ही यूजर ने ये पर्टिकुलर इंटरैक्टिव वेब पेज के ऊपर कंट्री में इंडिया सिलेक्ट किया, पेज सर्वर के ऊपर गया, सर्वर ने प्रोसेस किया कि कंट्री के अंदर इंडिया सिलेक्ट हुआ है, तो सर्वर ने उस हिसाब से स्टेट के डेटा रिटर्न किए फॉर अवर सेम वेब पेज। अगेन आई रिपीट, फॉर अवर सेम वेब पेज। इन शॉर्ट, जितने भी ऐसे कंट्रोल्स होंगे कि जिसके साथ यूजर इंटरेक्ट करता है, वो सारे कंट्रोल्स के रिलेटेड जो भी डेटा होंगे, पॉसिबिलिटी है कि वो बीच में प्रोसेस करने के लिए सर्वर के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन उस वक्त हमें सेम वेब पेज वापस मिलता है बिकॉज वो सिर्फ पर्टिकुलर कंट्रोल के रिलेटेड डेटा को ही प्रोसेस करने के लिए सर्वर के ऊपर जाता है, राइट? अब आप बोलोगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये पेज प्रोसेस होके वापस आया है कि नहीं आया है, या फिर हमने फर्स्ट टाइम वो पर्टिकुलर पेज को हमारे ब्राउजर के अंदर लोड किया है। ऑब्वियसली हमें पता होना चाहिए कि हम अभी जो पेज के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं वो पेज फर्स्ट टाइम ब्राउजर में लोड हुआ है या फिर एक बार प्रोसेस होने के लिए सर्वर पे गया था और वो पोस्ट बैक हुआ है। बिकॉज पोस्ट बैक के एक्शंस अलग होते हैं एंड जो फर्स्ट टाइम पेज लोड होता है उसके एक्शंस अलग होते हैं, राइट? तो हमें ये डिटेक्ट करना पड़ेगा कि भैया ये पेज पोस्ट बैक पेज है या फिर फर्स्ट टाइम लोडेड पेज है। तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर्टी होगी, दैट इज पोस्ट बैक। अगेन आई रिपीट, उसके लिए हम प्रॉपर्टी यूज कर पाएंगे दैट इज पोस्ट बैक, जिसकी वैल्यू आइदर ट्रू और फॉल्स होगी। अगर पेज पोस्ट बैक हुआ है तो इस पोस्ट बैक प्रॉपर्टी की वैल्यू ट्रू होगी, और अगर पेज पोस्ट बैक नहीं हुआ है
तो इस पोस्ट वैक प्रॉपर्टी की वैल्यू फॉल्स होगी। अब आप बोलोगे कि ये प्रॉपर्टी हमें कहाँ से मिलेगी? तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जितने भी वेब पेजेस आप क्रिएट करोगे वो सारे वेब पेजेस पेज क्लास के हिसाब से ट्रीट होंगे, और अगर वो पेज क्लास है तो उसकी प्रॉपर्टी मिलेगी हमें। इन शॉर्ट, ये जो इस पोस्ट बैक प्रॉपर्टी है वो पेज क्लास की प्रॉपर्टी है। अगेन आई रिपीट, ये इस पोस्ट बैक जो प्रॉपर्टी है वो पेज क्लास की प्रॉपर्टी हमें मिलेगी, बिकॉज ऑब्वियसली हमें पेज के रिलेटेड जानना है कि ये पोस्ट बैक है कि नहीं है, राइट? हमें कोई और एंटिटी के रिलेटेड नहीं जानना है, तो ये प्रॉपर्टी किसकी होगी? पेज की होगी। सो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग यू नीड टू कंसिडर ओवर हियर, कि अगर आपको जानना है कि ये पेज पोस्ट बैक पेज है कि नहीं है, तो आप ये इस पोस्ट बैक प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो कि जिसके अंदर आपको वैल्यू मिलेगी ट्रू और फॉल्स। अगर पोस्ट बैक पेज है तो ट्रू मिलेगी, और अगर पोस्ट बैक पेज नहीं है तो वहां पे आपको फॉल्स वैल्यू मिलेगी। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इस पोस्ट बैक प्रॉपर्टी के, जिससे आप चेक कर पाओगे वेदर दिस पेज इज पोस्टेड बैक और नॉट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको समझ में आया कि ओके, पोस्ट बैक एक्शन क्या है? अगर आपको डिटेक्ट करना है कि आपका पेज पोस्ट बैक हुआ है कि नहीं हुआ है, तो वो आप कैसे कर सकते हो? ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ इस पोस्ट बैक प्रॉपर्टी। अब हम एक्चुअल पोस्ट बैक की डेफिनेशन देखते हैं। अब तक हमने जो भी देखा वो अलग अलग हमने सारी चीज देखी, अब हम वो सारी चीज एक डेफिनेशन के अंदर फ्रेम करके देखते हैं, दैट व्हाट इज पोस्ट बैक, राइट? सो हम ऐसा कह सकते हैं कि पोस्ट बैक इज एन एक्शन विच इज टेकन बाय इंटरएक्टिव वेब पेज, राइट? अगेन आई रिपीट, पोस्ट बैक इज एन एक्शन विच इज टेकन बाय इंटरएक्टिव वेब पेज जब एंटायर पेज और उसका कंटेंट प्रोसेस करने के लिए सर्वर के ऊपर भेजा जाता है। अगेन आई रिपीट, प्रोसेस करने के लिए सर्वर के ऊपर भेजा जाता है, और सर्वर प्रोसेस करने के बाद सेम पेज ब्राउजर को देता है। अगेन आई रिपीट, और सर्वर प्रोसेस करने के बाद सेम पेज ब्राउजर को देता है। दिस एक्शन इज नोन एज पोस्ट बैक। अगेन आई रिपीट, दिस एक्शन इज नोन एज पोस्ट बैक। एक बार फिर से देख लेते हैं। वी कैन से दैट पोस्ट बैक इज एन एक्शन विच इज टेकन बाई इंटरक्टिव वेब पेज, की जिसके अंदर पूरा वेब पेज और उसका कॉन्टेंट सर्वर के ऊपर जाता है टू प्रोसेस सम इंफॉर्मेशन, और प्रोसेस होने के बाद हमें सेम वेब पेज वापिस मिलता है विद इन अवर ब्राउजर। सो दैट एक्शन इज नोन एज पोस्ट बैक। एंड एक बार कोई भी पेज पोस्ट बैक हो जाता है तो ऑटोमेटिक उसकी इस पोस्ट बैक प्रॉपर्टी ट्रू सेट हो जाती है। अगेन आई रिपीट, एक बार कोई भी पेज पोस्ट बैक हो जाता है तो ऑटोमेटिक उसकी इस पोस्ट बैक प्रॉपर्टी ट्रू सेट हो जाती है, हमें वो चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। इन शॉर्ट, इस पोस्ट बैक प्रॉपर्टी रीड ओनली प्रॉपर्टी होगी, जिसे यूजर खुद चेंज नहीं कर सकता, वो ऑटोमेटिक चेंज होगी डिपेंडिंग ऑन द एक्शन दैट इज टेकन बाय द वेब पेज। अगर पोस्ट बैक है तो वो ट्रू सेट हो जाएगी, और अगर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो फॉल्स हमें मिलेगी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पोस्ट बैक, राइट? यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखा है। आपको पता है कि अगर हमें लिस्ट बॉक्स के अंदर कोई भी आइटम्स ऐड करनी है तो हम ऐड मेथड का यूज करके वो आइटम्स ऐड कर सकते हैं, राइट? तो जैसे हमें फॉर्म के ऊपर फॉर्म लोड इवेंट मिलती थी, पेज के ऊपर हमें पेज लोड इवेंट मिल सकती है, राइट? अगेन आई रिपीट, जैसे हमें vb.net के अंदर फॉर्म के रिलेटेड फॉर्म लोड इवेंट मिलती थी, यहाँ पे हमें पेज के रिलेटेड पेज लोड इवेंट मिलेगी। अब मैं क्या करती हूँ, पेज लोड के ऊपर मुझे क्या करना है, मेरे पेज के ऊपर एक लिस्ट बॉक्स कंट्रोल मैंने रखा है। लिस्ट बॉक्स कंट्रोल तो आपने ऑलरेडी vb.net के अंदर पढ़ा है, और आपने ये भी पढ़ा है कि कैसे हम डायनामिकली विद द हेल्प ऑफ कोड लिस्ट बॉक्स कंट्रोल के अंदर आइटम्स ऐड कर सकते हैं। सो दिस इज द स्टेटमेंट, अगर मुझे लिस्ट बॉक्स के अंदर कोई भी आइटम ऐड करनी है, देन आई कैन राइट लिस्ट बॉक्स 1.items.add, एंड विद इन पैरेंथेसिस डबल कोटेशन हम वो वैल्यू लिख सकते हैं। लाइकवाइज मैंने 3 आइटम्स ऐड कर दी, दैट इज ए बी सी
PQR एंड XYZ। तो जब भी ये पेज ब्राउजर के अंदर रन होगा तो लिस्ट बॉक्स के अंदर मुझे इस हिसाब से वैल्यू दिखाई देगी, राइट? अगेन आई रिपीट, लिस्ट बॉक्स के अंदर मुझे इस हिसाब से वैल्यू डिफाइन दिखाई देगी। वेल एंड गुड, इसमें कोई गलत बात नहीं है, राइट? बट नाउ व्हाट? मैंने पहले भी बताया है स्टूडेंट्स, ये ASP.NET है जहाँ पे वेब पेजेस होते हैं, और वो VB.NET था जहाँ पे वेब फॉर्म्स होते थे, राइट? अगर यूजर ब्राउजर में वो पेज को रिफ्रेश करता है, अगेन आई रिपीट, अगर यूजर ब्राउजर में वो पेज को रिफ्रेश करता है, रिफ्रेश का मीनिंग क्या होता है? पेज प्रोसेस होने के लिए सर्वर पे जाएगा, फिर से प्रोसेस होगा और सेम पेज हमें वापस मिलेगा, और जब ये पेज हमें वापस मिलेगा, ये लिस्ट बॉक्स के रिलेटेड ये जो 3 स्टेटमेंट्स है वो फिर से एग्जीक्यूट होंगे। अगेन आई रिपीट, लिस्ट बॉक्स के अंदर ये जो 3 स्टेटमेंट्स है वैल्यू एड करने के लिए वो फिर से एग्जीक्यूट होंगे, बिकॉज हमने यहाँ पे पेज को रिफ्रेश किया है। सो अब सिनारियो क्या बन जाएगा? इस हिसाब से हमारा सिनारियो बन जाएगा कि लिस्ट बॉक्स के अंदर जो हमारी 3 वैल्यूज है वो अब सेकंड टाइम भी रिपीट होगी। दैट इज, दिस वाज द फर्स्ट टाइम एंड दिस इज द सेकंड टाइम। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज हमने रिफ्रेश किया, रिफ्रेश किया तो पेज पोस्ट बैक हुआ, वो सर्वर के ऊपर गया, सर्वर ने फिर से प्रोसेस किया, पेज हमें वापस दिया, पेज वापस मिलते वक्त उसने पेज लोड इवेंट एग्जीक्यूट की, और पेज लोड इवेंट में हमने क्या लिखा था? वो 3 स्टेटमेंट्स लिखे थे लिस्ट बॉक्स को फिल करने के लिए, इसीलिए उसने वो पर्टिकुलर लिस्ट बॉक्स को फिर से फिल कर दिया। एंड ऑब्वियसली दिस कैन नॉट बी द केस, ऐसा नहीं होना चाहिए। वैल्यू एक ही बार फिल होनी चाहिए, बार बार फिल नहीं होनी चाहिए, दो यूजर वो पर्टिकुलर वेब पेज को रिफ्रेश करे। एंड फॉर दैट पर्पस हम इस पोस्ट बैक प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। अगेन आई रिपीट, फॉर दैट पर्पस हम इस पोस्ट बैक प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। गुड इनफ। सो हम क्या करेंगे? ऑब्वियसली हम पेज लोड इवेंट के ऊपर इफ कंडीशन लिखेंगे। अगेन आई रिपीट, हम पेज लोड इवेंट के ऊपर इफ कंडीशन लिखेंगे, और इफ कंडीशन के अंदर हम ये इस पोस्ट बैक प्रॉपर्टी की वैल्यू चेक करेंगे। अगर ये इस पोस्ट बैक प्रॉपर्टी की वैल्यू ट्रू है, इसका मीनिंग ये है कि ये पेज पोस्टेड बैक पेज है, मतलब एक बार तो एग्जीक्यूट हुआ ही था, फिर से सर्वर के ऊपर गया था और फिर से पेज हमें मिला है, तो जब भी ये पोस्ट बैक हो तो ये 3 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं करने हैं। इट मीन्स कि जब ये इस पोस्ट बैक की वैल्यू फॉल्स है तब मुझे ये 3 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने हैं, और फॉल्स कब होगी? जब पेज फर्स्ट टाइम ब्राउजर में लोड होगा तब इसकी वैल्यू फॉल्स होगी, राइट? इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है? सी ओवर हियर। इसीलिए मैंने यहाँ पे नॉट यूज किया है, बिकॉज इफ कंडीशन कब एग्जीक्यूट होगी? ट्रू होगा तो ही इफ कंडीशन एग्जीक्यूट होगी, और बाय डिफॉल्ट तो हमें वैल्यू फॉल्स मिलती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे यूज किया नॉट फॉल्स, और नॉट फॉल्स का मीनिंग होता है ट्रू, राइट? सो देखते हैं, इफ कंडीशन के अंदर आप एज्यूम करो कि ये पर्टिकुलर वेब पेज फर्स्ट टाइम लोड हुआ है, तो इस पोस्ट बैक की वैल्यू होगी फॉल्स, राइट? तो इफ नॉट फॉल्स देन, मतलब नॉट फॉल्स का मीनिंग क्या होगा? ट्रू, राइट? तो अगर इफ कंडीशन ट्रू होती है तो मुझे ये 3 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने हैं, राइट? गुड इनफ, फर्स्ट टाइम आया पेज तो ये 3 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट हो गए, राइट? लिस्ट बॉक्स के अंदर 3 वैल्यू एड हो गई। नाउ व्हाट? अब ये पेज सेकंड टाइम पोस्ट बैक होके आया, तो अब क्या होगा? पोस्ट बैक की, इस पोस्ट बैक प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी? ट्रू होगी, राइट? तो अब इफ कंडीशन के अंदर क्या चेक होगा? नॉट ट्रू, और नॉट ट्रू का मीनिंग क्या होता है? फॉल्स। तो इफ कंडीशन तो फॉल्स हो गई तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे, राइट? सो स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ के कैसे हम इस पोस्ट बैक प्रॉपर्टी का यूज करके हमारे पेजेस के ऊपर हम इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं विद इन सम कंट्रोल, राइट? और अगर हमें रिपीटेशन नहीं करना है तो वहां पे हम ये इस पोस्ट बैक प्रॉपर्टी इफ कंडीशन के अंदर चेक करके अकॉर्डिंग टू द वैल्यू हम एक्ट
कर सकते हैं, हम एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द कंसेप्ट दैट इज पोस्टबैक, राइट? सो पोस्टबैक के अंदर हमने क्या देखा, वी हैव सीन व्हाट इज पोस्टबैक, राइट? पोस्टबैक के साथ अगर हमें चेक करना है तो इज पोस्टबैक प्रॉपर्टी है, ऑब्वियसली इफ इट इज अ प्रॉपर्टी तो कोई क्लास की होगी, कौन से क्लास की है, पेज क्लास की प्रॉपर्टी है, एंड वी नो के पेज क्लास कौन से नेम स्पेस के अंदर अवेलेबल है, system.web.ui नेम स्पेस के अंदर अवेलेबल है, एंड आफ्टर दैट वी हैव ऑल्सो सीन द डेफिनेशन ऑफ पोस्टबैक, एंड देन वी हैव सीन एग्जाम्पल कि कहाँ पे हमें ये इज पोस्टबैक प्रॉपर्टी काम लगेगी, राइट? So students, this is all about the topic that is postback, which is topic number 2.1 of your syllabus, right? Again, I repeat, which is topic number 1, 2.1 of your syllabus. Good enough.